तो वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार रात लखनऊ से प्रयागराज पहुंची हैं, जहां उन्होंने पुश्तैनी मकान स्वराज भवन में रात्रि विश्राम किया है। वे आज यहां पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद स्टीमर से वाराणसी रवाना होंगी। प्रियंका अपनी इस गंगा यात्रा के दौरान कई मंदिरों में दर्शन करेंगी, विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं और समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से मुलाकात भी करेंगी। लगभग 140 किलोमीटर लंबी यात्रा की शुरुआत वह आज प्रयागराज से मनैया घाट से करेंगी। इसका समापन 20 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा। प्रियंका वाराणसी के निकट दमदमा में एक स्वागत कार्यक्रम में भी भाग लेंगी। बता दें प्रियंका मनैया घाट से नौका से लाक्षा ग्रह जाएंगी, जहां 18 मार्च की रात में विश्राम करेंगी। अगले दिन यानी 19 मार्च को वह माडहा नामक स्थान पर स्वागत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रियंका सीतामढ़ी होते हुए विंध्याचल मंदिर में दर्शन करेंगी, फिर वह चुनार जाएंगी और शीतला माता मंदिर में दर्शन करेंगी। इसके बाद उनका वाराणसी के 80 घाट पहुंचने का भी कार्यक्रम है, जहां उनका जोरदार स्वागत होगा और इसके साथ ही उनकी इस यात्रा का समापन हो जाएगा। प्रियंका 20 मार्च को काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगी और फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगी। मनैया घाट पर जहां से उनकी आज जल यात्रा प्रारंभ होगी, प्रयागराज से वाराणसी तक जल मार्ग से ही वह यात्रा करेंगी। अपनी चुनावी रणनीति को लेकर जगह जगह वह लोगों से मुलाकात भी करेंगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। ये मनैया घाट से जो उनकी यात्रा प्रारंभ हो रही है, यहां से सीधे दुमदुमा घाट जाएंगी, जहां लोगों से उनका संवाद भी होगा। उसके पश्चात वह सिरसा में आयोजित एक आम लोगों की सभा से रूबरू होंगी और लोगों से मुलाकात भी करेंगी। इस जल यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, उसी की तर्ज पर आज प्रियंका गांधी ने भी कहा है मैं भी इस चुनावी रण क्षेत्र में, इस चुनावी बिगुल में गंगा के सहारे ही आई हूँ और लोगों से मुलाकात करके वह इस चुनावी रणनीति को एक नई दिशा और दशा देंगी। कैमरामैन प्रदीप के साथ राघवेंद्र मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, प्रयागराज। तो सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ राघवेंद्र मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, प्रयागराज में प्रियंका गांधी का दौरा है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दौरा ये बेहद खास माना जा रहा है। जी बिल्कुल, यह दौरा प्रियंका गांधी जी का बेहद ही खास है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की जो राजनीतिक पारी रही है वो बिल्कुल से जो है ना के बराबर रही है। इधर तीन राज्यों के चुनाव के पश्चात जो एक आशा की किरण जगी कांग्रेस सरकार में, उन्होंने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा, जनता के बीच उतारा और एक डूबती नौका को एक तिनके की सहारा जो कहावत है उसके तहत आज प्रियंका गांधी को यहाँ के लोग जो प्रयागराज से अपना जो है वाराणसी तक यात्रा कर रही है, जगह जगह उनका स्वागत की तैयारी भी की जा रही है, लेकिन गंगा घाट से ही प्रयाग से ही जो है जो यात्रा कर रही है इनके कई जो है मायने निकाले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भी चुनाव के पूर्व या कहा था काशी में कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, उसी तरह प्रियंका गांधी भी धार्मिक आयोजन से ही अपनी चुनावी रणनीति का बिगुल बजाएंगी। आप प्रयागराज से उनका भी मानना है, उनका भी यह कहना है कि गंगा से ही सहारे हम आए हैं, माँ गंगा ने ही हमको भी बुलाया है। एक अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यह संदेश दिया है जनता के बीच और अभी वो संगम तट पर पहुंची है, संगम में पूजा अर्चना कर रही है, हनुमान जी का दर्शन भी कर रही है। 50 वर्ष पश्चात जो अक्षय वट का द्वार खुला था उसके भी दर्शन के लिए वो जाने वाली है, वहां से सीधे यहाँ पर मनैया घाट है, पहले छतनाथ घाट से उनका जो है जी राघवेंद्र। तो प्रियंका गांधी जाने का प्रोग्राम, प्रियंका गांधी प्रयागराज पहुंच गई हैं और 4 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें स्टीमर से वाराणसी के लिए रवाना होंगी, साथ ही जगह जगह पर कई मंदिरों के दर्शन भी प्रियंका गांधी करेंगी।